आई हैव ऑलवेज रिकमेंडेड कि अगर आप बिजनेस एनालिस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हो, लेट्स से आप फ्रेशर हो, तो फिर आपको प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, राइट? बिकॉज आपके जितने भी इंटरव्यूज होते हैं वो प्रोजेक्ट के बेसिस पे होते हैं। बट अगर आप एक फ्रेशर हो और बीए के लिए अप्लाई करना है, तो फिर आप प्रोजेक्ट्स कैसे बनाओगे, कौन से प्रोजेक्ट्स बनाओगे, या फिर प्रोजेक्ट्स एग्जैक्टली बीए के लिए क्या रहेंगे, कैसे प्रिपेयर करने हैं, एवरी थिंग रिलेट टू दिस इन दिस वीडियो। विदाउट मेकिंग एनी मोर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले इट इज़ वेरी सिंपल कि बीए का जो काम होता है, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू एनी कोडिंग या फिर कोई डेटाबेस रिलेटेड, राइट? जिससे कि आप एक वेबसाइट बना के दैट यू विल शोकेस इट एज अ पर्सनल प्रोजेक्ट और समथिंग। बीए का काम अलग होता है। बीए का काम एक टेक्नो फंक्शनल का काम है, राइट? उधर ज़्यादा करके स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, डॉक्यूमेंटेशन, ये सब होते हैं। सो अगर आप एक फ्रेशर हो, तो वॉट यू कैन डू इज कि आप एक यूज केस पिक कर लो सबसे पहले। कि फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से एक ई कॉमर्स वेबसाइट सिमिलर टू वट अमेजॉन फ्लिपकार्ट है, राइट? तो एक यूज केस हमने फाइनलाइज कर लिया, एक टॉपिक हमने फाइनलाइज कर लिया। नाउ ऑन दैट टॉपिक अगर वो एक्चुअल प्रोजेक्ट होता किसी भी इंडस्ट्री में, लेट्स से आप आईटी में अगर जाओगे और किसी ने ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने का प्रोजेक्ट दिया, तो वो स्टेप्स कैसे होते पूरे एसडीएलसी के? सबसे पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग होता। तो यहाँ पे ई कॉमर्स वेबसाइट का रिक्वायरमेंट गैदरिंग एक हाइपोथेटिकल पकड़ के चल लो, एक सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स आप ले लो कि भाई उनको 5 पेजेस चाहिए, प्रोडक्ट कैटलॉग, पेमेंट इंटीग्रेशन, ये सारी 4 चीज़ें चाहिए, राइट? सेकेंड स्टेप क्या होगा, वो जो रिक्वायरमेंट्स है वो आपको फाइनलाइज करनी है क्रिएटिंग अ बीआरडी, राइट? तो बीआरडी भी आप अज्यूमिंग कि आपको एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना है, आपको एक बीआरडी भी क्रिएट करना है। एंड वो बीआरडी आप क्रिएट करके रखोगे एंड एक प्रॉपर बीआरडी रहेगा जो कि एक्चुअल इंटरव्यूज में अगर आपको पूछा प्रोजेक्ट्स के बारे में, तो आपको बताना है कि ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए मैंने प्रोजेक्ट किया था एंड इसका बीआरडी, ये सारी चीज़ें मेरे पास है, आपके पास वो पोर्टफोलियो रेडी रहेगा, ठीक है? दैट इज द फर्स्ट थिंग कि आपको बीआरडी बनाना है फॉर दैट पर्टिकुलर यूज केस। सेकेंड थिंग यू कैन डू इज कि आपको थोड़े बहुत डैशबोर्ड्स बनाने। अभी डैशबोर्ड्स इन द सेंस, लेट्स से रिपोर्ट्स हो गए या फिर एक्सेल के ऊपर आपको डैशबोर्ड्स बनाने हैं पावर बीआई वगैरह यूज करके। और वॉट एल्स यू कैन डू इज कि अगर आप थोड़े बहुत टेकी हो, तो माई रिकमेंडेशन वुड बी कि एक्चुअल में वो पर्टिकुलर जो भी प्रोजेक्ट है उसके ऊपर काम करो, वेबसाइट बनाओ, HTML, CSS, या फिर एक्चुअल में अभी बहुत सारे ऑनलाइन सिमुलेटर्स मिल जाएंगे आपको जिससे डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप से भी वेबसाइट्स बनती है, राइट? तो वेबसाइट्स बनाओ सो दैट एटलीस्ट जब भी बताने की बात आएगी तो पोर्टफोलियो आप बता सकते हो कि ये वेबसाइट है, ये उसका बीआरडी है, ये उसको रिपोर्ट्स है, ये इसके टेस्ट केसेस है जो मैंने एक्चुअली एज अ पर्सनल प्रोजेक्ट काम किए थे। सो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली क्रिएट अ प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो फॉर योर सेल्फ। पर्सनल प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो की बात करें हम लोग। बिफोर गोइंग अहेड, लेट मी टेल यू, अगर अभी तक आपने बिजनेस एनालिस्ट मास्टर क्लास में एनरोल नहीं किया है, जो कि मैंने खुद आपके लिए डिजाइन किया है, जिसमें मैंने टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन के ट्यूटोरियल्स, रिक्वायरमेंट गैदरिंग कैसे करते हैं, एवरीथिंग आई हैव इंक्लूडेड इन दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो वॉट आर यू वेटिंग फॉर? अभी तक अगर एनरोल नहीं किया तो जल्दी से जाके कर लीजिए, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। अगर खुद प्रोजेक्ट एज अ थोड़ा बहुत टेक्निकली आप डेटाबेस भी बना लिया, लेट्स एसक्यूएल के ऊपर थोड़ा बहुत काम करने के बाद में प्रोजेक्ट एक्चुअल में डिलीवर कर लिया, एक्चुअल में वेबसाइट बना ली, तो फिर क्या होगा ना, आपको कैसे बनाते हैं वो भी थोड़ा समझेगा। एज यू नो, बीए इज अ टेक्नो फंक्शनल रोल, राइट? तो उसमें टेक्निकल चीजें भी आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। ऐसे करके फिर वो पूरा प्रोजेक्ट जो है इंटरव्यूज में जब भी आपको क्वेश्चन आएगा कि आपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स पे क्या किया बीइंग अ फ्रेशर, तो आपने ऐसे पूरा बिजनेस एनालिस्ट की तरह काम किया फ्रॉम स्क्रैच फॉर अ प्रोजेक्ट, ये आपको बताने का वहां पे ऑप्शन मिलेगा, राइट? सो दिस इज हाउ यू कैन प्लान एंड एज अ फ्रेशर आप प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था तो डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब कर दिए चैनल को, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम लोग आपके लिए लाते रहते हैं। एंड आई बटन चेकआउट करना मत भूलना, बिकॉज बिजनेस एनालिस्ट रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज ऑलरेडी हमारे चैनल पर अवेलेबल है। कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा। फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट्स है, अगर आपको मुझसे पर्सनली बात करनी है, वो भी आप कर सकते हो। आपको टॉपमेट के ऊपर स्लॉट बुक करना पड़ेगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देन वी कैन connect and discuss your career difficulty. That's it for this video. Thanks for watching.